अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज की दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है, सबसे पहले सवाल किया जा रहे हैं एमसीक्यूज के अंदर कि पीरियोडिक टेबल डिवाइड किया गया है एस पी डी और एफ के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर, बेस्ड ऑन किसकी बेसिस के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है सिंबल मैग्नीशियम किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एम जी जो है वो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैग्नीज का सिंबल होता है एम एन, मरकरी का सिंबल होता है Hg और मॉलिब्डेनम का होता है MO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के नाम से क्या पूछा जा रहा है। डॉब्रेनर की क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर बेस थी, एटॉमिक मास के ऊपर बेस थी। स्टूडेंट्स ये आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू के नाम से पूछा जा रहा है विच वन ऑफ दीज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स विच इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एवरी एट एलिमेंट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन। न्यूलैंड ने कहा था ना कि हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले एलिमेंट से सिमिलर होंगी, तो ये कहलाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यहाँ पे पूछे जा रहे हैं विच ऑफ दीज ग्रुप्स कैन मेक मेक डोब्रेनर ट्राइट, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि डोब्रेनर ट्राइट बना सकता है, वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। स्टूडेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फर एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। इस तरह यहाँ पर ए जो है वो कौन सा एलिमेंट का नाम है, मैंने अभी तक सुना नहीं है। अच्छा, एस आर स्ट्रॉन्शियम और आयोडीन सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। सल्फर, कैल्शियम और सेरिलियम ये भी एक ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछे जा रहे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर कि लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे रिजेंबल करती हैं, वो रिजेंबल करती हैं स्टूडेंट सोडियम से। आगे बढ़ते हैं, व्हिच एलिमेंट ऑक्यूपाइज द पीक ऑफ कर्व्स ऑफ लॉथर मेयर ग्राफ, इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है जो कि लॉथर मेयर का जो ग्राफ था उसकी पीक्स के ऊपर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आते हैं, वो है एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो आते हैं वो पीक्स के ऊपर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ जा रहे हैं 1869 में मेंडलीव ने अपना जो पीरियोडिक लॉ था वो पेश किया था किसके बारे में। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया था स्टूडेंट्स एटॉमिक मासेस के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम 39 जो है वो कौन से ग्रुप के अंदर, पोटेशियम 39 ग्रुप 1A के अंदर है, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है मेंडलीव ने जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स थे उनको क्या नाम दिया था। ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया था नोबल गैसेस का, यानी कि वो गैसेस जो कि बहुत कम पाई जाती हैं। और ये गैसेस कौन कौन सी, हीलियम है इसमें, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है सोडियम की वैलेंसी 1 है उसका ग्रुप कौन सा होगा। वैलेंसी 1 है इसका मतलब उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ग्रुप हो जाएगा ग्रुप 1A। सही है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है, बोला मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। अगेन ग्रुप 2 में प्रेजेंट है तो वैलेंसी होगी +2। नंबर ऑफ नोबल गैसेस, अभी मैंने आपको नोबल गैसेस के बारे में बताया था ना ग्रुप 8A के अंदर, तो वो 6 होती है नोबल गैसेस, अभी बता चुका, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 8A, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि ग्रुप 8A से बिलोंग करता है। स्टूडेंट इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, माजरत के साथ यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, आप नन ऑफ द अबव को टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमसे पूछे जा रहे हैं हाउ मेनी ग्रुप्स वर प्रेजेंट इन मेंडलीव टेबल, कितने ग्रुप्स प्रेजेंट थे मेंडलीव टेबल के अंदर, तो वो थे 8 ग्रुप्स। ठीक है ना, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन पीरियड्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, तो 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, इसके बाद वाले एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि पीरियोडिक टेबल को एस पी डी एफ की बेसिस पर जो ब्लॉक्स की बेसिस पर जो डिवाइड किया हुआ है वो किसकी बेसिस पर किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर। और अब हम अपने लास्ट एमसीक्यू की तरफ आ रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। आप ये याद रखें, फोर्थ
फर्स्ट जो पीरियड है ये कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, इसी तरह जो सेकंड पीरियड है या थर्ड पीरियड है ये कहलाता है शॉर्ट पीरियड, ठीक है। इस तरह से फोर्थ और फिफ्थ कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। सिक्स पीरियड जो है वो बेसिकली कहलाता है लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक है। और जो सेवन पीरियड है स्टूडेंट्स वो कहलाता है, वैसे तो लॉन्गेस्ट कहलाता है वो भी, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही स्टूडेंट्स, हमने आज के दिन चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलने की। ओके अल्लाह।